आप देख रहे हैं सबकी डी न्यूज से। हम अमित सिंह, सबसे दुर्गापुर पंचायत के पूर्व मुखिया अब्दुल मुखिया, यहाँ का सबसे लोकप्रिय प्रतिनिधि रहे हैं पूर्व मुखिया। उनके यहाँ हम लोग आने वाले 21 तारीख को कुर्बानी का उपलक्ष्य में उनसे पूछने के लिए यहाँ कैसा त्यौहार कैसा मनाया जा रहा है। आप लोग आपका शुभ नाम? मोहम्मद आवासी कमर हुआ मेरी आज। हम पूर्व मुखिया का भतीजा हुए हैं जी। चचा का तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हम बाहर बैठे हुए हैं। ये जो पंचायत है कुर्बानी का, हम लोग का त्यौहार है, सब दिन अच्छे से ही होता है। चचा का द्वार पर ही होता है और वो मुखिया जी हमारा बहुत दिन से गांव का मलाल है और आदमी आता है मुखिया जी का द्वार पर, कुछ ना कुछ लेके जाता है और सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ आपके पास आने से पहले यहाँ का कुछ आपके यहाँ का पब्लिक से मिले, हम लोग पब्लिक का कहना है कि यहाँ का सबसे लोकप्रिय आदमी हम लोग के लिए मनपसंद आदमी है अब्दुल रहमान जी, तो उनसे एक बार मिल लीजिए। तो उनके कहने पर हम लोग यहाँ जनता आप लोग के इतना समर्थन में क्यों? जनता इस बार जनता तो खुल के सामने है। फिर आप हर जगह जाइएगा, बालूघाट चौक जाइएगा, दुर्गापुर चौक जाइएगा, कुशवा टोला गांव, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब जात जो है चचा के सपोर्ट पर है, साथ में है, मिला हुआ है। अगले पाँच साल जो गलती किया था वो अपने से ही बोल रहा है। हम लोग जा रहे हैं लोगों के बीच में, ये चीज़ हम लोगों को सब सुनाता है। जो पहले बार गलती हो गया था अगले साल, इसीलिए उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहते हैं। इस साल जो पुराना पूर्व मुखिया था अब्दुल रहमान, उसी को ले आएंगे। अभी हम लोग पब्लिक से भी मिले हैं यहाँ का, आपके पास आने से पहले पब्लिक का भी कहना है कि हम लोग पिछले बार गलती कर दिए या जो हुआ, लेकिन हम लोग का सबसे लोकप्रिय या जितना यहाँ का पब्लिक का समाज सेवा किए हैं पूर्व मुखिया, तो इस बार हर जो जी जान से उनके साथ हैं, जनता या पूरा जी जान से उनके समर्थक में। अभी हम लोग जनता के कहने पर हम लोग आपके पास आए हैं। नहीं, आप आखिर ये तो आप जनता का बात बोलिए रहे हैं, कहीं भी जाइएगा मुखिया जी का नाम हर बच्चा जानता है। मुखिया जी 15 साल रहे हैं, इस 5 साल हारा हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में था, काम किया था, लोगों का बहुत मतलब कोर्ट हुआ, थाना प्रभारी हुआ। जो इस साल इसकी 5 साल जो मुखिया रहा, वो तो डर से कभी घर से निकला ही नहीं, पुलिस का तो सामना कर नहीं सकेगा। वो जो रोड है, कभी आप लोग भी आते होंगे, पहले तो हमारा 15 साल जो मुखिया जी था, वो ई रोड में कभी पुलिस आते पुलिस का गाड़ी खड़ा नहीं हुआ था। अभी घर पर आके चेक इन करता है, बेवजह आदमी को परेशान करता है। वो तो आप लोग देखिए रहे, हम लोग को तो ये बताना पड़ेगा ही नहीं। आप जनता के बीच जाइएगा, आपको बता देगा जो मुखिया जी क्या था। ये 5 साल जो है क्या मुसीबत झेला जनता का संदेश क्या देना चाहेंगे? अच्छा से ईद मनाए, कुर्बानी करें, फोटो वोटू नहीं ले मोबाइल पर, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और इस चीज को अपना शांति पूर्वक से ईद मनावे, कुर्बानी का फोटो वोटू नहीं ले। यही चीज के लिए आप कुर्बानी दीजिए, अच्छा से घर में पर्व मनाइए, नमाज पढ़िए। जनता का शुभकामना के साथ हमारे चैनल के तरफ से भी आपको शुभकामना। धन्यवाद।